दिस इज नेहा इकबाल, योर सोशल साइंस एजुकेटर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चर. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, देन वी स्टडीड टाइप्स ऑफ फार्मिंग विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इन टू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड अ कमर्शियल फार्मिंग. देन वी स्टार्टेड विद द टॉपिक major crops. Now major crops were divided into sub parts, food crops and non food crops. So children, we already studied about food crops. In this lecture we are going to study about those crops which are not grains but they are grown. First we have to study sugarcane. So children, sugarcane is grown in tropical and subtropical region. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है वो पूरा आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कहा जाता है. सेकेंड वन इज ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है. इट वेरीज फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. It also requires rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter. It can be grown on variety of soil. इसको कोई एक soil में grow नहीं, आप बहुत तरीके की soil में grow कर सकते हैं. चलिए, the most important thing with this crop is कि इसको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है. जब से हम इसको sow करते हैं जब तक ये हार्वेस्ट नहीं हो जाता है, इट रिक्वायर्स मैनुअल लेबर. बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. गन्ने होते भी तो इतने लंबे लंबे बड़े बड़े साइज के हैं. एंड चिल्ड्रन, इसके साथ एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है. आपने अक्सर देखा होगा गन्ने को जब लोड करते हैं या अनलोड करते हैं तो इसको ना उठा के फेंका नहीं जाता, इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है केयरफुली. The reason behind it is इसके अंदर जो सुक्रोस होता है, अगर गन्ने के साथ आप ज्यादा उठक पटक करते हो तो यहां इस गन्ने इस पॉइंट पर गन्ने की जो मिठास है वो कम हो जाती है. सो चिल्ड्रन, इसको कभी भी आप देखिएगा लोग उठा के इसको पटकते नहीं है, इसको आराम से ही रखा जाता है. नाउ नेक्स्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील. सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन ब्राजील में होता है और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट. इट इज अ मेन सोर्स ऑफ शुगर, जैगरी और बहुत सारी चीजें हैं जो गन्ने से बनती हैं. जैगरी मीन्स गुड़. चिल्ड्रन, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एक्सेट्रा. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट शुगर. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज ऑयल सीड. चिल्ड्रन, ऑयल सीड्स आर दो सीड्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है. वो आपका पहले तो आता है ग्राउंड नट, मूंगफली, उससे भी तेल बनता है. सिसेसम, जिसको हम तिली भी कहते हैं, उससे भी तेल बनता है. आपका रिफाइंड ऑयल, वो आपका सनफ्लावर सीड से भी बनता है, सोयाबीन सीड से भी बनता है. तो ये सारे सीड्स क्या कहलाते हैं? दे आर ऑल नोन एज ऑयल सीड्स. सो लेट्स स्टडी अबाउट देम. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट. मूंगफली, मूंगफली तो आप हर जगह देखी ही लेना, फार्मर्स अक्सर ग्रो करते हैं. सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. जितना भी टोटल क्रॉप एरिया है ना हमारे इंडिया का, उसमें से लगभग 12% एरिया पर हम ऑयल सीड्स को ग्रो करते हैं. मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, कोकोनट, सेसेमम, कैस्टर. अब हम टी की बात करते हैं. टी, इंडिया में चाय का शौकीन कौन नहीं है? एवरीबडी लव्स टी, इवन आई ऑल्सो लव. ये एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो चिल्ड्रन, कोई अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए तो टी को ग्रो करेगा नहीं, राइट? ये जब भी ग्रो होगी ये बिजनेस पर्पज से ग्रो होगी. एक कमर्शियल फार्मिंग के फॉर्म में इसको ग्रो किया जाएगा टी को. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर.
ये इंडिया का, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इन इंडिया. इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इट रिक्वायर्स वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट फॉर द फुल ईयर, फॉर द होल ईयर. इसको वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, इसको कोई भी फ्रॉस्ट, मतलब होता है ओस, फॉगी जो टाइप का जो क्लाइमेट होता है ना, सर्दी आती है फॉग होने लगता है, इसको फॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इट रिक्वायर्स फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें पानी रुकता ना हो, उसमें से पानी निकल जाता हो, उसको कहते हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल. रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा. ऐसा क्यों है? क्योंकि चिल्ड्रन यू मस्ट हैव सीन इन मैनी ऑफ द मूवीज, इवन इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ टी, कि वो पत्तियों को तोड़ते हैं और उनके पीछे ना बास्केट लगी हुई होती है, उस बास्केट में उन पत्तियों को वो डालते जाते हैं. तो यहाँ ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है और चीप लेबर को ढूंढा जाता है, राइट? जो सस्ता हो, जो महंगा लेबर ना हो, सस्ते में काम करके चला जाए. एंड चिल्ड्रेन, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला. दार्जिलिंग की टी एडवर्टीजमेंट में भी सुना होगा आपने, इट्स वेरी फेमस. इवन यू मस्ट हैव सीन द एग्रीकल्चर ऑफ टी इन चेन्नई एक्सप्रेस. चेन्नई एक्सप्रेस में जब वो गाना आता है ना, कन्याकुमारी एंड कश्मीर वाला, उस पर्टिकुलर सॉन्ग में टी के जितने भी एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वो दिखाए गए हैं. सो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. जिसको चाय पसंद नहीं, वो कॉफ़ी पसंद कर ले, कॉफ़ी पी ले. सो चिल्ड्रन, कॉफ़ी भी एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीवरेज है इंडिया का. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि इंडियन कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है फॉर इट्स क्वालिटी. देख रहे हो आप लोग चिल्ड्रन, हमारा इंडिया हर चीज़ में फेमस है, हम किसी से कम नहीं है. कितना प्यारा देश है हमारा इंडिया. सो चिल्ड्रन, इंडिया की जो कॉफ़ी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इसकी जो क्वालिटी है ना, वो एवरीबडी लव्स दैट. द अरेबिक वेराइटी फ्रॉम येमेन जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, बहुत डिमांड में रहती है. शुरू में जो इंडिया, शुरू में कॉफ़ी का कल्टीवेशन सबसे पहली बार जो हुआ था वो बाबा बुदन हिल्स. हियर कम्स योर वन मार्क क्वेश्चन और द एमसीक्यू क्वेश्चन, वेयर वॉज द कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी इंट्रोड्यूस फर्स्ट? सो इट इज बाबा बुदन हिल्स. चिल्ड्रन, इट्स कल्टीवेशन इज ऑल्सो कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. चाय हो, कॉफी हो, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इनका साउथ स्टेट्स में ही होता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. सो आगे हम टॉपिक पे बढ़े तो एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, दैट इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है और हॉर्टिकल्चर कहाँ से ये वर्ड्स आए हैं? सो जो हॉर्टिकल्चर है वो आपका लैटिन वर्ड से मिलकर बना है. द फर्स्ट वन इज हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डन, एंड द सेकेंड वर्ड इज कालरे, जिसका मतलब होता है कल्चर. सो चिल्ड्रन, ये गार्डन कल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है ऐसा एग्रीकल्चर, ऐसी फार्मिंग जो आप गार्डन में कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. आई रिपीट अगेन, द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. तभी तो देखो चिल्ड्रन, इसका हॉर्टस गार्डन, हम गार्डन में अक्सर फ्रूट्स भी ग्रो कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरी भी लगा लेते हैं हम, वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं. सो चिल्ड्रन, इंडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटोज
and many more fruits and vegetables. India is a producer of tropical and temperate fruits. For example, mangoes, wow, rasile, aam, Maharashtra ke, M for mangoes, M for Maharashtra. Oranges of Nagpur, bananas of Kerala, lychee and guava of UP, pineapples of Meghalaya. ये पूरे world में सबसे ज़्यादा demand पर रहते हैं. So children, this is all about horticulture. Now let's move on to the another topic, that is non-food crops. वो क्रॉप्स हैं लेकिन हम उनको खाते नहीं हैं, हम उनको ग्रो करते हैं, इसलिए उसके आगे क्या लगा हुआ है, क्रॉप्स. लेकिन दे आर नॉट कंज्यूम्ड एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल, रबर, जूट, कॉटन एटसेट्रा, मैनी मोर आर देयर. सो लेट्स टॉक अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स. रबर, रबर को हम ग्रो करते हैं बट हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं. इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप. इक्वेटोरियल मीन्स इट इज ग्रोन इन द इक्वेटर रीजन और द नियर बाय द इक्वेटर रीजन्स. इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. ऑफकोर्स रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, दैट इज वाई पीपल ग्रो इट. People grow them and send it to the manufacturing industries or the industries to convert it into the form which can be anything. टायर भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है, कई तरीके की रबर मार्केट में आती है. सो वो टायर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, रबर से ही तो बनते हैं. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसको मॉइस्चर पसंद है और ह्यूमिड वाला क्लाइमेट बड़ा पसंद आता है. इट रिक्वायर्स रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, KTK, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. Now children, let's talk about fiber crops. Fiber crops क्या होते हैं? For example, cotton, jute, hemp. ये तीनों ही आपके कहाँ grow होते हैं? They are grown in soil. Now next is natural silk. Natural silk हमको कहाँ से मिलती है? Natural silk is obtained from cocoons of the silk worms. और ये silk worms कहाँ fed करते हैं? They fed on green leaves, specially mulberry leaves. One mark question or the MCQ question comes here, that they fed on green leaves, specially mulberry leaves. तो चलें, इस पूरे प्रोसीजर को हम सेरीकल्चर भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज सेरीकल्चर? जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, वैसे ही सेरीकल्चर भी है. एस फॉर सिल्क, एस फॉर सेरीकल्चर. सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर. जैसे हम फ्रूट्स की खेती करते हैं, वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं. क्रॉप्स की खेती करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. ऐसे ही हम यहाँ जब सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट रबर, फाइबर क्रॉप्स एंड सेरीकल्चर. लेट्स टॉक अबाउट कॉटन. कॉटन से कितनी सारी चीज़ें, स्पेशली कॉटन क्लॉथ्स, किसको नहीं पसंद आते भाई. इतने कूल, काम, सूदिंग क्लॉथ्स होते हैं कॉटन क्लॉथ्स. वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये ग्रो किया जाता है एंड इट इज सप्लाइड एज अ रॉ मटेरियल टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इट इज अ खरीफ क्रॉप. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि खरीफ क्रॉप क्या होता है. यू हैव टू सी माई प्रीवियस वीडियो फॉर द सेम. सो चिल्ड्रन, आई एम शेयरिंग द लिंक ओवर हियर. प्लीज गो एंड वॉच इट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. नाउ कम ऑन टू द टॉपिक,
दैट इज इट रिक्वायर्स लाइट रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल पसंद है, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, एंड 210 days जो कि फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, कोई ओस वाले दिन नहीं चाहिए इसको, कम से कम 210 दिन तक, एंड इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन, तभी तो कॉटन शाइन करती है, क्योंकि सनलाइट चाहिए होता है उसको, बहुत ज्यादा ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है. इट इज ग्रोन इन MP, UP, महाराष्ट्र, M2U, महाराष्ट्र, MP, UP. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट. चिल्ड्रन, जूट आपने अक्सर अपने आसपास जूट की चीज़ें देखी होगी. आजकल तो जूट हैंड बैग्स चलने लगे हैं, जूट कैरी बैग्स चलने लगे हैं, जूट के कारपेट्स भी हैं, जूट के डोमैट्स भी होते हैं, जूट की रस्सी भी होती है, रोप भी होती है जिसको हम सुतली कहते हैं. जूट से आजकल तो आर्टिफैक्ट्स भी मिलने लगे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी मिलती हैं. लेकिन चिल्ड्रन, जूट के साथ कुछ अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं. जूट चूंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए आप कभी भी देखें ना, जूट के बैग्स, जूट का फाइल फोल्डर्स खरीदने जाओगे, इट विल कॉस्ट यू हाई. तो लोग इसको कम प्रेफर करते हैं, इसकी जगह लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक से बनी हुई चीज़ें प्रेफर करते हैं, स्पेशली नायलॉन. नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर्स ने, दोनों ने ही जूट को रिप्लेस कर दिया है, बिकॉज ये सस्ती पड़ती है देन दैट ऑफ जूट. तो इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है. आप देखोगे, सुतली देखो या आप जूट देखो, तो ये बड़ा गोल्डन कलर रहती है, शाइन करती है. इट मीन्स शाइन पसंद है तो इसको ब्राइट सन शाइन चाहिए, इसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल. स्पेशली कहाँ की फर्टाइल सॉइल, जब फ्लड आता है ना, फ्लड अपने साथ मिट्टी लेकर आता है और नई मिट्टी छोड़ के चले जाता है पानी, तो उस नई मिट्टी में जूट को ग्रो होना बहुत पसंद आता है. स्पेशली आपने देखा होगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन तरफ, इस तरफ ना ज़्यादा बाढ़ आती रहती है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पर आपको, इन सच प्लेसेस यू विल फाइंड दी कल्टीवेशन ऑफ जूट, क्योंकि यहाँ फ्लड आता है और इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए. वो सॉइल जो फ्लड आता है तो अपने साथ मिट्टी लेकर आता है या छोड़कर चला जाता है. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी कैरी बैग्स, गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट्स और अदर आर्टिफैक्ट्स आपके किससे बनते हैं, जूट से बनते हैं. ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट. सिर्फ इसलिए इसकी डिमांड कम है मार्केट में, बिकॉज इट इज कॉस्टली. लर्नर्स, अब थोड़ा सा अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं. हमने देखा कि पूरे चैप्टर में अभी तक जितना हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, हर चीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो आपके फूड ग्रेन्स हो या फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हो या आपके नॉन फूड क्रॉप्स हो, सारा सब कुछ कहाँ से मिलता है, वी गेट इट फ्रॉम एग्रीकल्चर. सो चिल्ड्रन, थोड़ी सी हम अगर बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो ये एग्रीकल्चर बहुत पुराना एक प्रैक्टिस है जो इंडिया में चली आ रही है, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है. पहले सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी ही अकेला एग्रीकल्चर ही था, आज भी अकेला है, बट मेरा सेंस जो कहने का है वो ये है कि पहले इतना सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी नहीं था. ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती थी, प्राइमरी सेक्टर को दी जाती थी. मोस्ट ऑफ द पीपल्स इनकम वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट फॉर इनकम. तो चिल्ड्रन, देख रहे हो आप कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एग्रीकल्चर, कितना इम्पॉर्टेंट था. इसलिए कुछ नीड सामने आई, जैसे जैसे
हम आगे बढ़ते गए, डेवलपमेंट बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, फिर हमारे को ऐसी नीड आई कि हमको कुछ ना कुछ चेंजेस तो लेकर आने पड़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में. So then at that moment we talked about technological and institutional reforms. जितना भी ये collectivization, collectivization मतलब छोटी छोटी lands को इकट्ठा करके एक बड़ी land में convert कर देना, it is known as collectivization, consolidation of holding, cooperation, abolition of zamindari, इन सबको importance दिया गया after independence so that ये चीजें खत्म हो और हम नए technology और नए institutional reforms की तरफ चलते चले. चिल्ड्रन लैंड रिफॉर्म्स जो था वो सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई थी उसको फर्स्ट ही 5 ईयर प्लान में. जब 5 ईयर प्लान बनना स्टार्ट हुए थे तो सबसे पहले जो प्लान बना था उसमें लैंड रिफॉर्म की बात कही थी, लेकिन इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे. अनदर प्रॉब्लम इसके साथ जो निकल कर आई वो थी राइट टू इनहेरिटेंस. चिल्ड्रन ये बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में कि फादर की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो 2 बेटे या 3 बेटे या 4 बेटे जितने भी बेटे होते हैं उनमें उनको डिवाइड कर दिया जाता है. अब यही जो बच्चों को प्रॉपर्टी दी गई है उनके 2 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उनके 2 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आगे जाके फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. तो ऐसे चलते चलते ये लैंड क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है. जो एक बड़ा पीस ऑफ लैंड था अब वो छोटे पीस ऑफ लैंड में ही रह गया. एंड चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स कि छोटे पीस ऑफ लैंड पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. कर सकते हो बट मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, आपको आउटपुट या प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं मिलेगा. व्हाई? क्योंकि स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे आप ना तो मॉडर्न टूल्स यूज़ कर सकते हो, ना आप मॉडर्न मशीन्स यूज़ कर सकते हो, ना आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, तो फिर बचा क्या? फिर तो प्रोडक्शन या आउटपुट उतना ही मिलेगा जितना आप मेहनत कर सकते हो. ऑन द कॉन्ट्ररी यही छोटे छोटे जो लैंड के पीसेज हैं इनको एक उस पे लेकर आया जाए और इस पे एग्रीकल्चर किया जाए, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आस. Why? क्योंकि हम यहाँ पर मॉडर्नाइज टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स इन सब का यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द लैंड साइज. लैंड साइज जो होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है ड्यू टू राइट टू इनहेरिटेंस. तो चिल्ड्रन इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, तो इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो निकल के सामने आ रहा था वो था कि अब हमको रिफॉर्म्स की जरूरत थी एंड गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. वो क्या थे वो देखते हैं आगे. तो वो 2 स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए देवर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फॉर फार्मिंग सेक्टर एंड व्हाइट रेवोल्यूशन वॉज फॉर डेयरी सेक्टर. फार्मिंग सेक्टर में क्या क्या आया? हाई यील्डिंग सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, मॉडर्न इंपोर्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ताकि क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो करें. और डेयरी सेक्टर में आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स थे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन आया. ग्रीन स्टैंड्स फॉर हरियाली एंड हरे हरे क्या होते हैं? खेत. तो इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. व्हाइट, सो इट स्टैंड्स फॉर मिल्क. मिल्क इज व्हाइट इन कलर. गवर्नमेंट टुक दैट स्टेप कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स दिखाने लगे थे, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स शुरू कर दिए थे, रेडियो पर, टेलीविजन पर अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू करी गई न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको
इंफॉर्मेशन मिले, उनको नई नई चीजें सीखने को मिले, वो अपने एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन में इंप्लीमेंट कर सके इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. नॉट ओनली दीज टू स्टेप्स बट ऑल्सो द थर्ड स्टेप विच वॉज टेकन एज अ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म वॉज मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज MSP. गवर्नमेंट ने इसको सेट किया कि जितने भी फार्मर्स हैं पहले अपने क्रॉप्स जाके मार्केट में आप बेच लो, जैसे भी आपको बेचना है. जब वो नहीं बेचेंगे तो हम खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर. एक सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने फार्मर्स को, गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने क्रॉप्स हमको बेच दो, हम कम से कम आपको इतना पैसा तो दे देंगे कि आपका लॉस नहीं होगा. तो दैट इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और ये इसलिए भी रखी गई क्योंकि फार्मर्स को ना बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इतनी प्राइस तो रखनी ही पड़ेगी अब फार्मर्स के लिए, ताकि इनको कोई क्या ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके, इनका कोई फायदा ना उठा सके. एंड नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड. चिल्ड्रन, इन योर 9th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट डेट ट्रैप. जब फार्मर्स लोन लेते, स्वप्ना वाली स्टोरी आप याद करिए, स्वप्ना ने लोन लिया था और वो उसी लोन में फंसती हुई चली गई, ट्रैप होती हुई चली गई, बिकॉज शी कुडंट रीपे द लोन. तो चिल्ड्रन, ऐसा ही बहुत सारे फार्मर्स के साथ होता है. वो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन मान लीजिए उनका कल्टीवेशन इस साल अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप्स की क्वालिटी इस बार अच्छी नहीं हुई, उनको बहुत लॉस का सामना करना पड़ा, तो वो कहाँ से रीपे करेंगे लोन. तो वो उस लोन को रीपे करने के लिए एक और लोन ले लेते हैं, और ऐसे ही लोन में फंसते हुए चले जाते हैं. और इन सिचुएशंस की वजह से, ड्यू टू such situations, many of the farmers were committing suicides. तो government ने कहा many of the farmers were committing suicide. So government ने इसके लिए step लिया, government ने credit, किसान credit card बनाया. इसके through जो किसान हैं, farmers हैं, वो loan ले सकते हैं और अपने कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं. इससे फार्मर्स अब डेट ट्रैप नहीं होते थे, गवर्नमेंट उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देती है, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू देती है. नॉट ओनली केसीसी, इट इज नॉट केबीसी, इट इज केसीसी, बट ऑल्सो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वॉज स्टार्टेड, दैट इज पायस. ये किस लिए? कि अगर अपन इंश्योरेंस करा लें अपने क्रॉप्स का जो हम ग्रो करने वाले हैं, और किसी भी कारण से क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो हमको वो पैसा मिल जाएगा. दिस इज नोन एज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. सो ये तो थे कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे. नाउ लर्नर्स, लेट्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए थे? तो इंस्टीट्यूशन, यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सेंटर्स, ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस बाय द नेम इट इज़ क्लियर. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करा आई कार से याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ये रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश कर दिया गया, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कर दी गई, वेटरनरी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया गया, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को स्टार्ट कर दिया गया इन ऑर्डर टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर. इवन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट. अब आप देखो, हम लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि आगे आने वाला वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, सर्दी कम पड़ेगी ज़्यादा पड़ेगी, बारिश ज़्यादा होगी कम होगी, कहाँ से मानसून विंड्स आ रही है, कहाँ से होकर जाएंगी, कैसे जाएंगी, कैसे वापस आएंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेदर फोरकास्ट के थ्रू दी जाती है इन ऑर्डर टू मेक फार्मर्स अवेयर.
So children, these were some of the institutional reforms taken by the government. इतना technological और institutional reforms लेने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स वहीं बनी रही। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या इंडियन फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा था? सबसे पहला, जितनी भी सब्सिडी मिलती थी फर्टिलाइजर पे, वो हो गई थी डिक्रीज। सब्सिडी मतलब डिस्काउंट, जो भी गवर्नमेंट देती थी वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। लो सेल्स होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। मैम, ये इम्पोर्ट ड्यूटीज क्या है? जब हम बाहर से किसी भी चीज को इम्पोर्ट करते हैं, उस पे जो टैक्सेस लगते हैं, दे आर नोन एज इम्पोर्ट ड्यूटीज। जब उन टैक्सेस को ही कम कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है, फिर इंडियन मार्केट पे तो अफेक्ट करेगा ना, बाहर की चीजें ज्यादा आने लगेंगी। तो चलो, यहाँ पे लो सेल हो गई इंडियन प्रोडक्ट्स की। फार्मर्स अभी भी रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, अभी भी प्रिमिटिव मतलब ओल्ड मेथड से ही फार्मिंग कर रहे थे। चिल्ड्रन, इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट बहुत होने लगा था। तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन को हमारा इंडियन मार्केट फेस नहीं कर पाया। रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लोग अब एग्रीकल्चर में कम इन्वेस्ट करने लगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम इन्वेस्ट करने लगे। रीजन, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती थी। और यहाँ कुछ फार्मर्स तो ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का ही जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो इन्वेस्ट करते थे, उससे वो पीछे हट गए। रीजन, क्योंकि उनको पता था कि हम इतनी मेहनत करेंगे, आगे जाके फल तो हमें उतना मिलना नहीं है, इसलिए अच्छा है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती थी, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो चलो, इतने इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लेने के बाद भी प्रॉब्लम्स तो थी इंडियन फार्मर्स के सामने, और अभी भी हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स ये प्रवेल करती हैं हमारी इकोनॉमी में। अब हम आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। सो चिल्ड्रन, पहले तो हम ये समझ लें, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? व्हेन वी इंटीग्रेट आर इकोनॉमी विद द अनदर इकोनॉमी और विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। हम जैसे वेस्टर्न कल्चर अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज से चीज़ें अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये कहाँ का इम्पैक्ट है? ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। हमारे बारे में अदर कंट्रीज जानती हैं, हमारे रामायण, महाभारत, उपनिषद, इन सबके पंचतंत्र टेल्स, ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये किसके थ्रू हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो वो अपना कल्चर लेकर आता है, हम कहीं जाते हैं तो हम अपना कल्चर लेकर जाते हैं, तो इसी सिनारियो को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट निकल कर आया एग्रीकल्चर पे, वो हमको इस टॉपिक में स्टडी करना है। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कब से चला आ रहा है? कॉलोनियल पीरियड से चला आ रहा है। नाउ व्हाट इज कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल पीरियड मींस वो पीरियड जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, ब्रिटिशर्स हम पे अपना डोमिनेंस पार लेकर चलते थे, उस पीरियड को बोला जाता है कॉलोनियल पीरियड। तो चिल्ड्रन, तब से चला आ रहा है, यहाँ से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स अपने यहाँ लेकर जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे और वापस हमी को ही बेचते थे फिनिश प्रोडक्ट्स हमारी इंडिया में ही। तो ये क्या था? ये ग्लोबलाइजेशन था। तो चिल्ड्रन, 19th सेंचुरी में इंडिया जो है स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन कंट्रीज को। देखा कितना अच्छा है हमारा इंडिया। कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, एज आई हैव टोल्ड यू रिसेंटली, कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से लेकर
लेकर जाते थे ब्रिटिशर्स और उसका फिनिश प्रोडक्ट रेडी करते थे। तो ऐसे ही कॉटन भी लेकर जाते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन होती थी और वहाँ पर वो उससे क्लॉथ तैयार करते थे, रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करते थे और हमारे को ही हमारी कंट्री में आकर वो बेचते थे हाई रेट्स पर। सो चिल्ड्रन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें तो ये भी बहुत फ्लरिश हुई ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। हमारी क्वालिटी जो थी ना कॉटन की वो बहुत अच्छी थी, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एकदम से बूम उस पर आ गई, बढ़ने लगी। लेकिन आफ्टर 1990 इंडियन फार्मर्स को कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। वो पहला क्या था, वो ये था कि वो सब्सिडाइज एग्रीकल्चर से कंपीट नहीं कर पाए भाई, वो नहीं कर सकते थे कैसे भी करके। न्यू चैलेंजेस उनके सामने आते जा रहे थे, कैसे करते भाई, क्यों टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, वो इतने उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, अवेयरनेस ही नहीं थी, तो वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी हमारे इंडियन फार्मर्स के सामने। दूसरा ये था कि अगर हमें एग्रीकल्चर इंप्रूव करना है तो हमको सबसे पहले मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स पर ही काम करना पड़ेगा। जो मार्जिनल मिडिल क्लास फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, हमें उनको ऊपर लाना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब एक और टॉपिक इसमें आता है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा पावरफुल सप्लीमेंट है जो न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स को लेकर आया हमारे सामने। मतलब अब हम सीड्स का जो है वो हाइब्रिड भी कर सकते हैं और नया वैरायटी ऑफ सीड्स निकल के आ सकते हैं, तो इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट फार्मिंग विच इज डन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। मतलब ये प्योर नेचुरल तरीके से फार्मिंग होती है, इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं होता है और ये हमारे लिए बहुत सेफ फार्मिंग भी होती है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए इंजूरियस नहीं होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से की गई है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग में। सो चिल्ड्रन, अब हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स निकल के आते हैं जो एक्सपर्ट्स हमको सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न लाना चाहिए। और इंडिया का जो इतना वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट है, जो अलग अलग तरीके का मौसम आता है, वेदर आता है, उसको हम वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, ये तो कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिया था। सो चिल्ड्रन, द लास्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक इज भूदान एंड ग्राम दान। बाय द नेम इट इज क्लियर, भू मीन्स जमीन, लैंड, लैंड को, भू को दान करना, इट इज नोन एज भूदान। एंड ग्राम मतलब गांव, गांव को दान करना, इट इज नोन एज ग्राम दान। ये आपका एक मूवमेंट था जिसको टोटली ब्लडलेस मूवमेंट बोला गया। अब इस मूवमेंट में था क्या, एक बार ये एक्चुअली इनिशिएट किसने किया था, इट वॉज इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे। ही वॉज द मेन पर्सन टू इनिशिएट द भूदान एंड द ग्राम दान। एक्चुअली चलन, ये बहुत बड़े गांधी जी के फॉलोअर थे, तो ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन पोचमपल्ली और उसी वक्त किसी एक गांव के लेक्चर देते वक्त किसी गांव के एक व्यक्ति ने लैंड को मांग लिया। अब जब उन्होंने लैंड को मांगा तो वहां पर एक आपके रेड्डी जी बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन जो है वो दान कर दी थी। तो चलिए यहां से शुरू हुआ था भूदान।
ऐसे ही कई सारे जमींदार निकल कर आए, उन्होंने गांव के गांव दान कर दिए कि आप लोग इन गांव में रहो, खेती करो और अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजारो। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को बोला जाता है भूदान एंड ग्राम दान, और ये एक तरीके का मूवमेंट था जो कि बिल्कुल ब्लडलेस था, और यहां बिना कोई खून खराबा करे लोगों को जमीन मिली और गांव मिले। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर चिल्ड्रन। वी विल सी अगेन विद द न्यू चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर लर्नर्स, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो।